मिर्ची खा रहे हैं। हेलो है फैमिली, नमस्ते। स्वागत है इस न्यू ब्लॉग में, खुशबू कुकिंग ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक है। हाँ, अभी शाम का टाइम है, अभी सो के जगे हैं हम। और इधर देखिए, इधर सो के जग गई, और उधर एक देखिए सो रही है, ये बड़ी वाली। तो बच्चे लोग का सोने का जो स्टाइल रहता है ना, बिल्कुल अलग रहता है। जग जा, स्कूल से आए दोनों, खाना खा के दोनों को सुला दिए, हम भी सो गए। अभी जगे, सोचे थोड़ा सा आप लोग से बातें कर लेते हैं। और मौसम ऐसा कर रहा है ना, दिखाते हैं आप लोग को। देखिए अभी का मौसम कैसा है। आज हम लोग गेहूँ पसा रहे हुए थे, क्योंकि हम लोग घर से ही गेहूँ लाते हैं और उसको धो के सुखा के उसके बाद घर पिसवाते हैं, वही यूज करते हैं घर वाला ही गेहूँ। इतना तेज़ धूप था, उसके बाद हम गेहूँ दिए, मतलब 10 मिनट के बाद इतना लगा कि बारिश जोर की आ रही है, इतना ज़ोर की बारिश। गेहूँ मोड़ के रख दिया, बारिश भी नहीं हुआ और गेहूँ भी मेरा नहीं सूखा। ऐसा मौसम अभी कर रहा है। उठो अम्मू, उठो, शाम हो गया, उठो, शाम हो गया, उठो, देखो, हाँ कर दो, उठो, शाम हो गया, देखो, दूध चाहिए ना, दूध चाहिए, बोलो। तभी इसको दूध देंगे, और उसके बाद शाम का टाइम है तो थोड़ा सा, चाय पियेंगे। और दीदी अभी आई नहीं है काम करने के लिए, तो दीदी आएगी काम करने के लिए, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तब उसको दूध दे देते हैं, रो रही है रूम में, यहाँ पे दूध ले लिए हैं उसके लिए और उसको दे रहे हैं। लो लो, हाँ हम बैठ रहे हैं ना यहाँ पे, लो देखिए, ये तो वो हो गई है, बोतल में दूध पीती है, इसको बोलते हैं छोड़ दो, फिर भी नहीं छोड़ती है। तो देखो अब बड़ी वाली को उठाएंगे, क्योंकि टीचर भी आने वाली है। आरो जगो 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 बेटा, जगो जगो जगो, देखो 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 देखो, जगो 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 जगो। इसको हल्का हल्का सर्दी लग रहा है बड़ी वाली को। जगो बेटा, मुसा मत, उठो जगो, टीचर भी आने वाली है, जगो। बोले मम्मी कल सैटरडे है, कल स्कूल नहीं जाएंगे। ये लोग का मतलब रोज का रहता है, इसको नहीं जाएंगे। तभी चाय बना लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सो के जगी और गोदी में चढ़ गई। कहता है ना, माँ बाप के लिए बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए, ये माँ बाप के लिए तो बच्चा ही रहता है, फिर भी अभी छोटी ही है। सो के जगी है, देखिए इसका मूड कैसा है। सर्दी हो गया है थोड़ा सा, बेटी को ना अभी आएगी टीचर पढ़ाने, चलो फ्रेश कर दे, हो जा। मेरा चाय उबल रहा है, और उधर तक मैं चाय बना, तब तक टीचर भी आ गई, मैम आ गई, दिखाते हैं। देखिए पीछे मैम आ गई है और जगा रही है विद्यार्थी को, इतनी अच्छी टीचर है, बच्चे कितना अच्छा से पढ़ाती है, बहुत समझती है। जब आरो आ जाओ, बहुत समझदार है, इतना अच्छा। चलो बैठो, इसको पता है ना आज क्या हो गया है, तब सर्दी कर रही है। अब बच्चे कितनी मतलब इतना अच्छा से समझाती है, इतनी अच्छा से कि बच्चा अच्छा से समझ लेता है। मैं तो सोची जब तक मैं यहाँ रहूँगी तब तक उसी को रखूँगी पढ़ाने के लिए, बहुत अच्छी है। हमारा चाय बन के रेडी हो गया है, बाहर में बैठ के सुकून से चाय पियेंगे और दीदी का इंतज़ार करेंगे। पी लिए हैं, इधर देखिए दुपट्टा ले करिए, मम्मी घोड़ा बनना है, घोड़ा बनना है, क्या बनना है, घोड़ा घोड़ा बना है, इसका दुपट्टा लेके घोड़ा। और एक चीज दिखा रहे हैं, देखिए यूनिटी, सर्दी हो रहा है, इसको देखिए क्या दिखा रही है,
मतलब केक है नहीं फिर भी उसको खा रही है, कहेगा जैसे कि तो क्या मतलब बच्चा लोग को। इधर अरे बोरा भरा, इधर दीदी आ गई है, दीदी के इंतजार कर रहे थे, अब आएगी शाम हो गया है और चाय दिए। आ दीदी क्या करिए, मेरा साड़ी अच्छा नहीं लग रहा है बताइए तो। तभी सोच रहे हैं कुछ बनाने, ऐसा नहीं करो, रात का डिनर बनाएंगे। मेरी बेटी की सर्दी हो गया, बड़ी वाली तो बोली मम्मी मेरे लिए सत्तू परोठा बना दो, सत्तू का लिट्टी। तब इसके लिए बनाएंगे सत्तू का लिट्टी और चोखा, ऐसा नहीं करो ये बनाएंगे। तुम्हें मिलाएंगे सारा मसाला, अचार का तेल बहुत टेस्ट, मतलब टेस्ट अच्छा रहता है इसका, बहुत टेस्टी भी बनता है, इससे हल्का का खट्टापन आता है। और ये है नींबू जो कि आप सब देते होंगे, और यहाँ पे अदरक लहसुन और मिर्ची कूट के इसमें दे रहे हैं। थोड़ा सा इसमें आप ये काला नमक जो आता है वो डाल दीजिए, उससे और अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है सत्तू में हल्का सा, जैसे कि बाजार में मिलता है ना, इसमें डाल दीजिए। उसके बाद सरसों का तेल थोड़ा सा इसमें निचोड़ देंगे, नींबू खट्टापन रहता है तो अच्छा लगता है खाने में हल्का सा, और इस सबको मिला लेंगे। तो मिला लिए हैं इसको, देखिए और इसको भर के बनाएंगे। मेरी मम्मी गरम गरम क्या कहते हैं कचौड़ी तल रही है, कचौड़ी तल रही है। मम्मी फूला कहाँ, फूला नहीं देखो थे इसको ये कर लिए, भर लिए थे इसमें सत्तू और इसे बेल लिए थे। उसके बाद हम इसको तलते हैं, इससे क्या होता है कि आपका टाइम कम लगता है, जल्दी से हो भी जाता है, फटाफट बेल के रख लीजिए उसके बाद इसके तल लीजिए, तभी हम तल दें। बन के रेडी हो गया है सत्तू का कचौड़ी, यहाँ पे प्याज अचार आंवला और सरसों का चटनी हरी मिर्च के साथ, और ये बिहार यूपी का फेमस है। तो किसको किसको पसंद है कमेंट कीजिए, आ जाइए खाने के लिए। देखिए हम लोग डिनर करते हैं फिर मिलते हैं। हेलो, हम लोग का डिनर हो चुका है, और आरही को देखिए अभी कंघी कर रही थी, इसको सर्दी हो गया, सरसों का तेल लगा दिए बाल में, इसको बोले बांध लो, अदा देखिए खड़ा होके दूध पी रही है। देखिए इसको कभी ऐसा बच्चा को खड़ा होके दूध पीते हुए देखिए। तो आई होप आप लोग के डेली का ब्लॉग अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, फिर मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।